केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत चिनाब दरिया पर बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान पुल पर बिछाई गई पटरी पर किए गए ट्रॉली ट्रायल के सफल परीक्षण के भी रेल मंत्री साक्षी बने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन दुनिया के बहुत बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के कोने कोने में रेलवे का एक टोटल ट्रांसफॉर्मेटिव नेटवर्क बिछा रहे हैं, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है कि चिनाब ब्रिज और बहुत सारी टनल्स जो कंप्लीशन के कगार पे है अभी और बहुत अच्छी जिसमें प्रोग्रेस हुई है, आज चिनाब ब्रिज की ट्रॉली रन हुआ और साथ ही साथ कई सारी टनल्स का इंस्पेक्शन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। देखो, 2014 से पहले इस इतने स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट के लिए 700-800 करोड़ होते थे। मोदी जी ने आते ही इस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेशन डबल किया, फिर और बढ़ाया, और इस तरह से आज की तारीख में करीब 6000 करोड़ का एलोकेशन होता है इस प्रोजेक्ट के लिए। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस आए। जो ब्रिज है, आपने देखा, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है। टनल्स हैं, इन टनल्स को बनाने में बहुत डिफ़िकल्टीज आई, क्योंकि हिमालय का जो ये माउंटेन है, ये माउंटेन बहुत ही यंग माउंटेन है। इस माउंटेन की जियोलॉजी इस तरह से रहती है कि सॉइल सॉफ्ट है, तो जब टनल बनाते हैं, अगर हार्ड ग्रेनाइट होता है तो टनल बनाना बहुत आसान होता है, जब सॉफ्ट सॉइल होती है तो उसमें टनल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार करते हुए ये प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आशा है कि दिसंबर जनवरी में यहाँ पर ट्रेन दौड़ेगी, और कल बड़गांव बारामूला वहाँ का भी इंस्पेक्शन करके आए। बड़गांव में वंदे भारत की मेंटेनेंस की फैसिलिटी क्रिएट हो रही है, तो श्रीनगर में भी बहुत जल्दी वंदे भारत आएगी। सर, टनल की बात आपने की, हमने कल भी देखा था कि पहला केबल रेल केबल ब्रिज है, और अभी हमने देखा कि दुनिया का सबसे ऊंचा अपना ब्रिज आर्क ब्रिज। ये सब चीजें जो भारतीय रेल कर रही है, ये जो एक नया एक नमूना पेश किया जा रहा है इंजीनियरिंग का दुनिया के सामने, इसके बारे में क्या कहेंगे? जब देश में बड़े काम करने का जज्बा होता है, जब देश का नेतृत्व ऐसा होता है जो कि किसी भी चैलेंज को स्वीकार करे और उसको फेस करके आगे बढ़े, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जज्बा है, ऐसा उनका संकल्प है, ऐसी उनकी इच्छा शक्ति है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो आप देख रहे हैं, हाईएस्ट ब्रिज हो, शानदार इतनी डिफ़िकल्ट टनल्स हो, ऊंची से ऊंची जगह पे काम हो रहा हो, हाई स्पीड रेल का बनना, ये सब मोदी जी का जो संकल्प है, उनका जो दृढ़ निश्चय है, उनकी जो डिसाइसिव लीडरशिप है, उसका नतीजा है। सर, एक सवाल और है, चूँकि इस प्रोजेक्ट में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और काफ़ी स्ट्रेटजिक लाइन भी है, दूसरा एक रेलवे पहले भी सर्वे कर चुका है लाहौल स्पीति को जोड़ने का और रोहतांग को जोड़ने का, उसमें हम कितना आगे बढ़े? इस प्रोजेक्ट को अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें अब हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ज़रूर, जितने भी हमारे हिमालय की वादियों में बड़े बड़े शहर हैं हमारे, उन सब शहरों को जोड़ने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी बन रही है, जिससे कि हमारे दूर दराज के क्षेत्रों के गाँव भी अच्छी कनेक्टिविटी से जुड़े।